खुमा और गुलामबाज की हरकतों की वजह से उन्होंने हमें होटल से बाहर निकाल दिया। हम जहाँ बैठे हैं सामान लेकर अपना, क्योंकि चेकआउट हमने करना था 12 बजे और 12:15 हो रहे हैं, दोपहर का 1 बज रहा है, घर वाले अभी तक सो रहे हैं मेरे। तब ये मेकअप ही मेकअप, हुमा का मेकअप देखो क्या क्या चीजें मेकअप में लाई हुई है। मतलब घर पे लाइट नहीं आ रही है, होटल में इंसान ठहरा, इतना इनकन्वीनियंट होता है होटल में ठहरना, मगर मेकअप वो पूरा लाई है। कपड़े लाना भूली, आती इनकी सारी चॉकलेटें खा गई है, देखो सारी चॉकलेटें खा गई। मेरी बात सुन मनजा, यार हुमा ने बड़ा तंग किया है, कुछ कर यार, कुछ ऐसा करके हुमा इस कमरे से निकल जाए। देखिए इसका रंग कितना अच्छा आना है, इसको लगाए हुए मुश्किल से 5 मिनट हुए मुझे। होटल का जो हाल किया ना हुमा ने, ये देखो इस कमरे का ये हाल किया, यहाँ पे कपड़े फैले हुए हैं, यहाँ पे अभी हम रूम से बाहर निकलते हैं ना तो उनके हाउस कीपर इतने अच्छे से हमसे बात करते हैं। ये देखो ये मट्टी कीचड़ सारा का सारा यहाँ पे लाए हुए, यहाँ की इतना अच्छा होटल है, सारा मट्टी कीचड़ यहाँ पे रखा हुआ हुमा ने। हम जब कमरे से बाहर निकलते हैं ना इतने अच्छे से वो लोग हमसे बात करते हैं, इतने अच्छे से हमसे बात करते हैं, उनको ये नहीं पता इन्होंने जब हमारे कमरे का हाल देख लिया ना तो उन्हें सलाम करना क्या, सलाम का जवाब भी नहीं देना इन्होंने। क्या हाल कर दी हुमा ने, मैं तो सोच रही जब इसकी शादी होगी तो ये क्या करेगी। ये देखो एक कमरे में इसके साथ रहना इतना मुश्किल हो गया, इतना मुश्किल हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। मैं सोच रही हुमा को इस 5-स्टार होटल से निकाल के ना 2-स्टार होटल में भेज दिया जाए। ये देखो इतना मेकअप थोपने के लिए चीजें लाई हुई है, मतलब इतना थोपा हुआ मेकअप, ये मेकअप ही मेकअप, हुमा का मेकअप देखो क्या क्या चीजें मेकअप में लाई हुई है। मतलब घर पे लाइट नहीं आ रही है, होटल में इंसान ठहरा, इतना इनकन्वीनियंट होता है होटल में ठहरना, मगर मेकअप वो पूरा लाई है। कपड़े लाना भूली भी अपने, वो सिर्फ 2 जोड़े लाई है अपने, मगर मेकअप ये ऐसी ऐसी महीने का सामान लाई हुई मेकअप का, ये कंसीलर हाईलाइटर लिपस्टिक्स भी 6-6 किस्म की लिपस्टिक है, ये कंसीलर भी 10-10 किस्म की, ये पता नहीं क्या किस्म की चीजें हैं, ओ फल्ला इतनी इतनी चीजें। ये देखो लक्ष्य का ये भी ले आई, मतलब ये मेकअप में लाने की जरूरत थी ये चीज। ओफ पता नहीं हम यहाँ पे एंटरटेनमेंट करने आए क्या करने है। उस वक्त से कहती है मुझे सर दर्द हो रहा है, मैं जो ना डर के मारे कभी ये पी गई है कॉफी, कभी चाय पी ली है, कभी से फेंटा मंगवा लिया, इतनी क्या क्या कुछ मंगवा के पी जा रही है, पी जा रही है। ये बिन्नी हमारी बेचारी सो रही है, वो भी तंग आई हुई है हमसे। हाय लाइट क्यों चली जाती है भाई हमारे मुल्क में। मैं सोच रही हूँ कि मैं इधर हूँ तो करूँ क्या, करूँ तो करूँ क्या। और एक और बात जो हुमा साहिबा ने किया, आती इनकी सारी चॉकलेटें खा गई, ये देखो सारी चॉकलेटें खा गई, सब ये बिल्लियों का खाना हमने यहाँ पर रहने दिया है, और ये हम ब्रेड लाए हुए थे घर से और ये सारी चॉकलेटें, एक चॉकलेट नहीं छोड़ी हुमा ने इनके फ्रिज में। बड़ी गलत बात है वैसे, बहुत गलत बात है। ये देखो थोड़ी बहुत चॉकलेट मैंने रख ली है, बाकी सारी हुमा खा गई है। अब हुमा मैडम गई है नीचे से कुछ खाने। और ये है अलमारी का हाल, ये देखो ये अलमारी मैंने खोली है, इसमें क्या है, ये बिल्लियों का खाना पड़ा हुआ है, इसका बस्ता पड़ा हुआ है, और इस लॉकर में जो सेफ होता है इस लॉकर में इसने बिल्लियों का खाना रखा हुआ है, जो मैंने निकाल के इधर रख दी। ये इसकी बिल्लियों का खाना लॉकर में रखा हुआ था कोडवर्ड लगा के इसने। मैंने कहा किसने बिल्लियों का खाना खाना है जो तुमने यहाँ पे कोडवर्ड लगा के रख दिया है। ओफ अब इस खिला रहे में तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, अब सोच रही हूँ करूँ तो करूँ क्या, करूँ तो करूँ क्या, कुछ समझ नहीं आ रही है। बिल्लियों को जगाती हूँ, उन्हीं से खेल लेती हूँ। यार मनजा मेरी बात सुन मनजा, यार हुमा ने बड़ा तंग किया है, कुछ कर यार, कुछ ऐसा करके हुमा इस कमरे से निकल जाए। वो मेरे कमरे में बैठी हुई है यार, मेरी बात सुन, हुमा को पता ना चले मैं सोच रही हूँ कि हुमा के ऊपर ना चुपके से नीचे कह दूँ कि कंप्लेन आई है कि हुमा ने सारी चॉकलेट्स इनकी फ्रिज की खा ली है, कैसा लग रहा तुझे आइडिया। तो वो चुपी बैठी है, चुपी बैठी है। पापा के रूम में जाती हूँ, देखती हूँ पापा क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा बस्ता हुमा लाई हुई, इतना। मनजा ये सैंडविच आपने भी खाने क्या, आप तो नहीं खाती सैंडविचेस मनजा, आप तो बहुत अच्छी बच्ची हो। ये सैंडविच तो मेरा, इसमें आपको चिकन की खुशबू आ रही है, नहीं ना अच्छा लग रहा आपको, आप अच्छी बच्ची हो, आप नहीं खाती ऐसी चीजें, ये बाहर की खुराक है। अच्छा आपको इसमें से अंडा चाहिए, मैं आपको निकाल के दे देती हूँ, आ जाओ ये देखो अंडा खा रही है, जैसे मेरे हाथ कंधे कर रही है मनजा, मेरे कपड़ों से खोल के ये खाओ मनजा। मनजा बड़ी अच्छी बच्ची है, अंडे खा रही है, हाई प्रोटीन डाइट। वैसे मैंने एक बात नोट की है, जितना पाकिस्तान का हिसाब किताब है ना बिजली जाने का, मैं सोचू मुल्क की छोड़ के चली जाऊँ, इस मुल्क में लाइट आती नहीं है, बस बिजली के बिल ही देते रहो। मैं सच्ची में ना मुल्क छोड़ के चले जाना है, मैं कसम से ना, मैं बस कसम खा ली, अब छोड़ना ही पड़ेगा मुझे मुल्क। अब मुझे बताएं भाई कौन सा मुल्क जाया जाए, मुझे ये समझ नहीं आ रही है, ऐसा मुल्क जिसमें लाइट ना जाती हो और ऐसा मुल्क जिसमें बहुत ठंडक भी ना होती हो, क्योंकि बहुत ठंडक से मेरा दिमाग काम नहीं करता, मैं 2+2 का भी हिसाब नहीं दे सकती, क्योंकि मेरा दिमाग सर्दी में बिल्कुल कुंद हो जाता है गुलामबाज की तरह। मुनज़्ज़ा मेरा दिमाग आपकी तरह भी हो जाता है और गुलामबाज की तरह भी हो जाता है मुनज़्ज़ा साहिबा। अच्छा मुनज़्ज़ा जो है ना यहाँ पे, मुनज़्ज़ा खुद खाओ यार, मैं नहीं खिला सकती यार, पकड़ो पकड़ो।
आगे जो है ना मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है इस टाइम। सारा टैची केस भर के लाए हुए थे, जाय नमाज भी मैं लाई हूँ घर से। चलो मैं अपना खाना खाऊँ, मुझे तो भूख लग रही है। ना ही मुझे समझ आई है मैंने कितने पैसे पे किए हैं, और अभी ये मुझे हिसाब किताब नहीं समझ आया है पैसों का, इसलिए ना जाने कितने पे करती हुई मैं आ रही हूँ। कमरे में आ गई हूँ, मुझे किसी चीज़ की कुछ समझ नहीं आई, कितने पैसे क्या है क्या हिसाब किताब नहीं। बाप रे, निकलने से पहले ये सारे का सारा रूम मैंने खुद साफ़ किया ताकि जो हाउस कीपर्स हैं वो ये ना कहें कि हम इतना गंद मचाते हैं। हुमा मैडम की बदौलत अब इस सब चीज़ें मैं खुद ब खुद ना उठा उठा के अंदर रख रही हूँ। सारी सफाइयाँ मुझे खुद करनी पड़ रही हैं सिर्फ और सिर्फ हुमा की वजह से। मतलब होटल में रह के हाउस कीपर्स के होते हुए सफाइयाँ हमें ही करनी पड़ी, हमें नहीं मुझे करनी पड़ रही हैं। हुमा इतनी गंदगी मचाती है, इतनी गंदगी मचाती है, इसकी वजह से ना सारी सफाई खुद करनी पड़ी है मुझे। ओफ, ये देखो कोई चम्मच इसे सूखे दूध में डाला है, कुछ इधर डाला है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। ऐसे खिला रहे हैं कि मैं ना दिमाग ख़राब हो रहा है। ये सारे गंद में मैं नहीं झाड़ू मारा पूरे कमरे में, मतलब झाड़ू है नहीं, वो हाउस कीपर्स के पास ही होता है, लेकिन आपको सोचे टिशू के साथ ये पूरा रूम मैंने साफ़ किया। एक टिशू लेकर जो घर से हम वेट वाइप्स लाए हुए थे, ये वाले, ये वेट वाइप्स लेकर सारा रूम मैंने खुद ब खुद साफ़ किया। कुछ पापा की चीज़ें यहाँ पर पड़ी हैं, पता नहीं पापा पहले दिन आए थे रूम में तब की चीज़ें यहाँ पड़ी हैं। पापा की चीज़ें कौन कौन सी हैं, एक शर्ट पापा की है, ये सिगरेट्स पापा की हैं, और क्या पापा का यहाँ पड़ा हुआ, बस और कुछ नहीं है। और ये वो डस्टबिन है जो हुमा मैडम अपने पास लेके रखी हुई, उसने सो रही है, और टी बैग्स सारे सारे चूस चूस के रखे हुए इसने यहाँ पे, और फिर भी इसको नींद आती रहती है। ये देखो हुमा सारे टी बैग्स चूस जाती है, और चूस चूस के ये सो भी जाती है सारे टी बैग्स, फिर भी इसको नींद ही आती रहती है, गंदी। आज होटल में रहते हुए तीसरा दिन है, और कहा गया था कि आप पैकिंग कर लो, घर पे लाइट आ गई है। मैंने अब पैकिंग की है, अब तीसरी दफ़ा आई होप इंशाल्लाह लाइट आ गई हो हमारे घर में, क्योंकि कल जब पैकिंग की थी तो पता चला हमें एक और दिन यहाँ पर रहना पड़ेगा, और अभी तक जो है लाइट नहीं आई। ट्रांसफार्मर वाले ठीक करने आए थे बिजली, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए अब मैं फिर पैकिंग कर रही हूँ। आई होप आज बिजली वाकई आती ही रहे। और जितने भी मसले होते हैं पता नहीं गर्मियों में ही क्यों आते हैं बिजली के सारे मसले। यार जिप क्यों नहीं बंद हो रही मैं इस पर बैठ के घुटना रख के अब बंद करती हूँ। आई हो रही है बंद, अल्लाह आयो, अल्लाह अल्लाह, शुक्र है बंद ही नहीं हो रही है यार ये क्या मत मारी हुई है। अब हम कर रहे हैं चेकआउट, क्योंकि अब लगता है जरा हमारे जो है ना यहाँ से निकलने का टाइम है, तो अब जल्दी जल्दी चेकआउट करना है। मगर सामान किसी ने भी अपना पैक नहीं किया हुआ, ये सामान भी सारा खुला पड़ा हुआ है, अब पता नहीं कब पैक करना। और देखो टाइम क्या हो गया, चेकआउट हमने करना था 12 बजे और 12:15 हो रहे हैं, सवा बारह हो रहे हैं, और मगर पैकिंग किसी ने नहीं की हुई। कुछ समझ नहीं आ रहा इतने बचली का, लोगों के साथ मैं रह क्यों रही हूँ बाबा। दोपहर का 1 बज रहा है, नाश्ता भी मैंने खुद ही उधर कमरे में किया है, घर वाले अभी तक सो रहे हैं मेरे, और ये स्नैक्स भी मैं खा चुकी हूँ, पेट भर लिया जब ब्रंच का टाइम हो गया, और मैंने 2 किन्नू यहाँ रखे हैं, अब वही सोच रही हूँ खा लूँ, क्योंकि घर वालों ने पता नहीं कब सो के उठना है, कब क्या करना है, किन्नू से गुजारा करूँ मैं। यार एक तो घर वाले बड़े ही सुस्त हैं, सो रहे हैं, फिर कहते हैं कि हम रात को तुम्हारी वजह से जागे रहते हैं, मेरी वजह से जाग कर क्या करना है, किन्नू ही खाती हूँ मैं। होटल में आके भी फिलहाल ये खाऊंगी, घर वाले सो के उठेंगे तो ही मुझे शाही खाने मिलेंगे। हुमा और गुलामबाज की हरकतों की वजह से उन्होंने हमें होटल से बाहर निकाल दिया, हम जहाँ बैठे हैं सामान लेकर अपना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही अब करें तो क्या करें। ये सारी हुमा और गुलामबाज की हरकतें हैं, अब इतना तो सामान लेकर हम जाएं तो जाएं कहाँ, ये गुलामबाज बहुत ओवर हो जाता है। अल्लाह, पापा का मैसेज आया, वो कह रहे हैं हमें एक और दिन यहाँ रहना पड़ेगा, इसलिए जो मैं तकिए का खिलाफ उतारा था वापस चढ़ाना पड़ रहा है मुझे, बिल्लियों को जगा दिया था बेचारों को मैंने, अब इनको कहती हूँ वापस सो जाएं। सारा कुछ मैं साफ कर रही थी भी कमरे में, सब चीज़ें मैंने इनको साफ सुथरी करके दी, इतना साफ सुथरा कमरा कर दिया जैसे पहले दिन था, और हुमा की बदौलत ये गंदा हो गया था। अब सब सफाइयाँ की है तो भी पापा कह रहे हैं अब चलो, चलना नहीं, रुको, ये स्टफ टॉयज का क्या करना जो हुमा मैडम घर से लाई हुई है, हुमा तो सेकंड में आती किसी भी जगह को अपना घर बना लेती है। बहरहाल चॉकलेट्स हम इनको वापस नहीं कर सकते जो हुमा ने आती पहले दिन खराब कर ली है, अब टीवी पे क्या देखें भी समझ नहीं आ रही है। चलो अब सामान जो मैंने पैक किया था वो फौरन अनपैक करूं और तकिए गलाफ वापस चढ़ाऊं। रात हो गई, वैसे यार बंदा होटल में रहते रहते बोर हो जाता है, इधर तो बड़ी चमकदार बिजलियां आ रही हैं। वैसे होटलों में ना ये होता है कि बिजली आती रहती है, पर घरों में ना ज़्यादा देर जनरेटर नहीं चलता, UPS भी टाइम टाइम करके चुप हो गया बेचारा, वो भी अब कितनी देर बोले।
रात का टाइम है और टाइगर साहब जो है बाहर जाके कुछ गौर व फिक्र करना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने कहा चलो आप गौर व फिक्र करो, देखो बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। जी टाइगर साहब क्या देख रहे हो आप? टाइगर क्या देख रहे हो आप बाहर? फल पौधे फूल क्या देखना चाह रहे हो आप? टाइगर साहब का ना दिल नहीं लग रहा, उनको अपने घर में जाना है। आ जाओ टाइगर। मुन्नज़ा किधर है? मुन्नज़ा तो लगता है खाना खा रही, मैंने तो लाइटें ऑफ कर दी और मैं सोने लगी हूँ। मुन्नज़ा हुमा पता नहीं कहाँ चली गई है, मैं बहरहाल सोने की तैयारी करने लगी हूँ। वैसे मेहंदी लगाने के बाद ना ज्यादा वेट नहीं किया जाता, इसलिए मेरी मेहंदी का रंग अक्सर ना ज्यादा कारामद नहीं होता, पायदार नहीं होता। लेकिन ये मेहंदी वैसे अच्छी है, ये देखिए इसका रंग कितना अच्छा है ना, कि इसको लगाए हुए मुश्किल से 5 मिनट हुए मुझे। वाओ ये तो बहुत अच्छी निकली है। मेहंदी लगाती मुझे उलझन होती है, बस अब रंग क्या आएगा, रंग क्या आएगा, रंग क्या आएगा। इस वजह से ना मैं जल्दी धो लेती हूँ मेहंदी।